लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया अपने साथ बेशकीमती हीरा कोहिनूर ले गई थी, ये बात तो लोग जानते हैं, लेकिन इस हीरे के अलावा एक चीज और उन्हें इतनी अच्छी लगी जिसे वे अपने साथ ले गई, इस चीज के बारे में कम ही लोगों को पता है। दरअसल ये एक पत्थर था जिसे शजर कहा जाता है। शजर पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये दो पत्थर कभी एक जैसे नहीं होते हैं। ये पत्थर आज भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। अगर भारत की बात करें तो यह पत्थर बांदा में केन नदी के तट पर पाया जाता है। इसे ज्वेलरी, वॉल हैंगिंग और ताजमहल जैसी कलाकृति बनाने में यूज किया जाता है। लगभग 400 साल पहले इसे भारत में अरब से आए लोगों ने पहचाना। इस पत्थर पर उकेरी हुई पेड़ पत्ती की आकृति की वजह से इसे शजर नाम दिया गया। पर्शियन भाषा में शजर नाम का मतलब पेड़ होता है। इसके बाद मुगलों के शासनकाल में इस पत्थर से कई कलाकृतियां बनी। कुछ मुसलमान इन पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखवाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस पत्थर का इस्तेमाल बीमारियों के इलाज में किया जाता है। शजर की खासियत को देखते हुए बांदा से ये पत्थर पूरी दुनिया में जाते हैं। खास तौर से ईरान जैसे देशों में इस पत्थर की मांग ज्यादा है।